Hey guys, what's up and welcome back to my another vlog. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैक रोड और अभी देख सकते हो हम लोग खड़े हैं बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे, देखते हैं कब आएगी और देखते हैं वहाँ पे क्या सुबह मेला लगता है। वहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर तो आते ही हैं। हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े टिकटॉकर आते ही नहीं, रील अबे वो रीलर्स आते हैं, रीलर्स। तो वीडियो पे बने रहो और देखते क्या करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर आते हैं, अच्छे अच्छे। तो अभी बड़े बड़े क्रिएटर आते हैं, हम लोग अपना फोटो जा रहे हैं, अपना फोटो शूट के लिए। वहाँ पे लोकेशन भी बेस्ट है, हम लोग को जाना रहता तो हम लोग जल्दी जा रहे हैं। अभी देख सकते हो 4 बज गए, तो हम लोग को ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग ऐसे जा रहे टाइम पास करते हैं। थोड़ा लेट निकल गए हम लोग, निकलने वाले 3 बजे, लेकिन खाने पीने में टाइम ज्यादा चलेगा। तो अभी ऊपर कोई बस तो गई है, अभी आइडिया नहीं कौन सी बस है, और हम लोग को जाना है 454 बस के लिए। यहाँ पे पूरा बस का ही मसला है। हाँ, बस मतलब बस का ही शॉर्ट है। हाँ, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट जाने का है अपना इनऑर्बिट, और अभी देखते हैं बस कब तक आती है। वैसे भी बाजू में ही है। हाँ, स्टॉप तो बाजू में ही है। तो गाइस, बस नहीं आई, 26 आई है, 326, और अभी हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोग आगे अपने काम कर लेंगे, सब समझ रहे हो। बस तो आई नहीं, तो अब मजबूरी में हम लोग को रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। अभी ब्लॉग बना बना के इतने पैसे आ रहे कि अभी हम लोग अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ और इनकम आना स्टार्ट हो गया। वाह। वैसे हम लोग की लैम्बोर्गिनी खड़ी है, पर हम लोग ने एक को दिए, वो बाहर गया थोड़ा, इसी लेना था, हम लोग उससे जाने वाले थे। पैर पकड़ के बोल रहा था भाई एक राउंड दे दो बस। तो हम लोग भी बोले चल दोस्त है, दे देते हैं। तो अभी देख सकते हो हम लोग जस्ट सर्कल में, बस नहीं आ रही, और अब जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने के लिए। रिक्शा स्टैंड इधर आ गए, रिक्शा स्टैंड पूछ तो चलो भाई, फाइनली रिक्शा मिल गया। अब थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे इनॉर्बिट। आते आते इसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा मतलब ऐसे आ रहा था, ऐसा सब से गाड़ी आई ना, मेरी गलती है ना, वो भाई की गलती। हाँ, गलती किसकी नहीं थी, मतलब जैसे हम लोग रिक्शे से निकले ना, वैसी मतलब वो सडनली कब से वो आ गया। तो मैं कैमरा जैसे ऑन करने जा रहा था, वैसी ठोक दिया उसने। अभी मैं उनको कुछ बोलता, वो मेरे को कुछ बोलते, फिर दो बात होती। चाचा मेरे को लगा ना उनको कुछ हुआ, तो चाचा बोल के कुछ फायदा नहीं। हाँ, तो हम लोग बोले ठीक है अंकल, इससे हो जाएगा। तो फिर हाँ, तो अभी हम लोग इनऑर्बिट के पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। एंड अभी हम लोग जस्ट मेट्रो के नीचे हैं। आते साथ ही एक्सीडेंट हो गया। लगा क्या? नहीं लगा। तो अभी हम लोग आ गए इनऑर्बिट मॉल के अंदर, जस्ट एंट्री कर दिया यहाँ पे। और उसके यहाँ पे अंदर आने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता है। अंदर आने के लिए फिर बाहर आना पड़ता है, फिर ऐसा पीछे। ये वो भी ये गार्डन में आए हम लोग, कुछ यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए। ऐसी ऐसी आए फोटो क्या खींचे यहाँ, तो क्या करेंगे, बैठेंगे। आ गई अच्छी, तो आ गई यहाँ पे, क्या करेंगे, जगह भी मस्त है। तो अभी आ चुके हम लोग इनऑर्बिट के गार्डन में फोटो शूट करने के लिए।
ये गार्डन में आने के लिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर दिया रील्स बनाने के लिए आए, ये रील्स बनाना है देखो फोटो निकालना है तो यही जगह पे बड़े बड़े रील्स आते हैं रील्स बनाने के लिए, है ना। अरे तू भी इसीलिए आया ना। मैं भी एक रील बना। अच्छा ये भी एक रील है। कच्चा वादा कच्चा मत दे, मत कच्चा वादा मत। भाई बहुत पकी नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही बड़ा गार्डन है ना। अकेले रील बना रहा बेचारा। मैं खींच दूं फोटो। मेरे गार्डन से अच्छा तो मॉल ही अच्छा लग रहा है। जगह अच्छा है, टफ है, जगह बहुत अच्छा है, अच्छा चार्ज है। ये अंदर नहीं जा सकते ना। गाली यूज नहीं करना है ब्रो। आंसर आ चुके हैं एंड ये है राज भाई, ये भी डांसर है राज भाई। व्लॉग बना रहा है क्या? यस। एक बार मैं भी जा रहा हूँ अपने मैकडोनल्ड फ्रेंड के साथ बैठने तो यही है एक हम लोग का दोस्त मैकडोनल्ड और इसके साथ बैठेंगे हम लोग। इसकी लाइफ अच्छी है, बहुत सब लड़की लोग इसका जाके फोटो खिंचाते हैं। इसकी लाइफ अच्छी है, हाँ सब इसके साथ फोटो खिंचाते हैं। ये क्या कर रहा है रे? यहाँ पे क्या पता क्या है, यहाँ पे कुछ तो है, क्यों आके बैठे रहती है, कुछ तो बात है। ये पूरी जिंदगी में अपनी मैंने कभी नहीं देखा हूँ कभी नहीं। इम्पोर्टेंट जाने की श्रीलंका से लाके लगाया गया यहाँ। श्रीलंका से पूरी? और तू कहाँ से आया? नासा से। ये गार्डन में मेरे को नहीं पता पब्लिक आके क्यों क्यों पसंद है सबको ये, मुझे तो जरा नहीं अच्छा लग रहा है। इतना जरा फोटो आ रही है ढंग की ना, कुछ फोटो भी बस सिर्फ झाड़ लगा दिया हर जगह। मेरे को लग रहा है ना खाली ये व्यू भी लाते ज्यादा नेचर तो अपने गोरेगांव में ऊपर घर के आगे चले जाओ उससे ज्यादा आ रहे मेरे इससे अच्छा। तो अब वो भी नहीं, ऊपर सिर्फ टॉप पे जाओ तो नेचर मिल जाएगा। बैठ जाओ यहाँ, कुछ काम नहीं है, बैठना ही है ना और कुछ नहीं है। ये जगह के लिए हम लोग रिक्शा से, हम लोग कभी रिक्शा से जल्दी जाते नहीं है। हम लोग रिक्शा से आए जगह पे। बस ये कपल्स लोग की जगह। हम लोग यहाँ तो फ्रेंड है, हम लोग यहाँ कोई अहमियत नहीं है। अभी हम लोग कपल लोग को दिखा नहीं सकते ना, फोटो भी कुछ अच्छे आ रही नहीं है। बस मेरे को लगता है कि खाली ये बैकग्राउंड के वजह से जो पीछे तीन बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, हाँ बस उसी के लिए आते रहेंगे है ना, रील्स बनाने का। और ये आ रही है फोटो, निकाल दे रही एक फोटो। चल आ जाते फोन दे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे लेना बच्चे। तो अभी भाई का फोटो चालू है, फोटो शूट ऐसी रहा। चल भाई आ गया मस्त। अबे देख फोटो देख दे रही है ना, आ रहे पोस्ट करने का यार। निकाल देना तुम आइए तो हो गया हम लोग का काम। हो गया काम, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ऐसे ही टाइम पास भी हो गया, थोड़े सौ दो सौ के चूने लग गए। खाली गार्डन में आने के लिए पैसा बर्बाद। मॉल में भी नहीं, मॉल के जस्ट पीछे होते रहता है ऐसा, होते रहता है। मुझे लगा अच्छा रहेगा ये, लेकिन खाली ये जगह ना खाली है बिल्डिंग के वजह से जो ये ज़्यादा सिर्फ ना अच्छा रील्स बनाने के लिए जगह अच्छी है, फोटो खींचने के लिए नहीं अच्छी है। रील्स के लिए अच्छी है, हाँ रील्स बनाने के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो जितने भी है सब टिकटॉकर ही भरे और फोटोशूट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब क्या है चलते हैं। और अगर आप लोग को फोटोशूट के लिए लोकेशन के लिए ब्लॉग चाहिए तो बताओ, हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी पता है। ये तो हम लोग ऐसी ऐसी आ गए थे घर पे बैठे घूमने के लिए आ गए थे। अगर आपको कोई अच्छी प्लेस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। अभी हम लोग यहाँ पे आए तो आप लोग एक चीज़ दिखाई देता हूँ। कच्चा बादाम। ये वीडियो के लिए ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब सब मारो पट। ऐसा भी नहीं हुआ तो गलती से भी कभी अगर बोल दिया ना कोई इनऑर्बिट के गार्डन में आने, गलती से भी नहीं आना। एकदम बकवास जगह, ये सिर्फ कपल लोग के लिए जगह और टिकटॉकर लोग, एकदम फालतू जगह, एकदम फालतू। दिमाग खराब हो गया हम लोग का। वही तो मेरे को लगा अच्छा फोटो शूट होगा, लेकिन फोटो खींचने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि
जबरदस्ती ले रहे ऐसा लग रहा है। तो बारिश भी होने वाली है। तो अब चलते हैं घर पे। मैं रेकमेंड करूंगा कि फोटोशूट के लिए इधर पे मत आना, सिर्फ दिखने में अच्छी जगह। हाँ बस देखने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन जब फोटो लोगे ना तब पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो चलते हैं अब घर पे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। साथ में ये रहेगा रहेगा ना, रहूँगा कल शायद जाने वाले, इससे लाख गुना अच्छी जगह पे जाएंगे। अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो इसका रिजल्ट भी आया था ना, पास हो गया ना। हाँ पास हो गया मेरा दोस्त। और एक पर्सनल चीज भी है वहाँ पे, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे बैठे थे बंदी। जाने दे, होता है ये सब, समझा। मारो मुझे मारो, इनका मजाक हो रहा है, इनका मजाक हो रहा है। यही मैं तो बोल रहा हूँ, मॉल से अच्छी जगह तो ये है। हाँ सबसे अच्छी जगह ये है, इधर कर लो, इधर फोटो खिंचा लो। वो जगह स्टाफ लोग के लिए बनी है, और वो ऐसा कोई आए थे फैमिली शॉपिंग के लिए तो बच्चे लोग के लिए पार्क बना। इधर तो यहाँ पे चुम्मा चाट ही चालू हो गया, लिहाज ही नहीं है बड़े छोटे का, फुल अपनी दुनिया में क्या क्या कर रहे हो वहाँ पे। ए रहन देना, तेरी भी गर्लफ्रेंड होगी। हम लोग की नहीं, हम लोग की रहेगी तो यहाँ पे कहीं पे भी लेके नहीं चालू हो जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी जगह पे। व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करो। नहीं अरे नहीं, ये अबे डिसलाइक नहीं, लाइक लाइक करो। हाँ तो अच्छा, हम लोग कल जाएंगे कोई अच्छी प्लेस पे। हाँ मैं तो वाटर पार्क, थोड़े दिनों में वाटर पार्क का भी प्लान बन रहा है।